हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जर्बेक्स आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट की बात करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको इस ऑइंटमेंट की कंपोजिशन, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स और इसे अप्लाई करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं और आपको हमारा वीडियो सही लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जर्बेक्स ऑइंटमेंट के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10 ग्राम की ट्यूब में आती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जुर्निक, सूरज संघ जिसे लाल पारा भी कहा जाता है, उसके साथ ही हुसल, गोवरीड और घी जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, यूजेस की बात करें तो जर्बेक्स को विशेषकर एक्जिमा, दांत दिनाए, खाज खुजली, पानी लगना तथा कलकल आदि चर्म रोगों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी चर्म रोग से लंबे समय से पीड़ित हैं और आप एक आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी जरूर लें। इस ऑइंटमेंट को आप केवल एक्सटर्नल यूज के लिए ले सकते हो। इसे यूज करने से पहले आप अफेक्टेड एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद दिन में 2 से 3 बार आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, लेकिन हर प्रकार का दवा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कर सकता है, तो इसे आप किसी चिकित्सक से पूछताछ के बाद ही उपयोग में लाएँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।